दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में एक और मुख्य बात को सीखने जा रहे हैं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हमें सबसे पहले रखना है। जब हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 पद पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम इस बात को देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर प्रार्थना करता है और हम नहीं जानते, लिखा है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर कर, ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है, वो विनती और प्रार्थना करता है पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पहले रखना है प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने इस उदाहरण को रखा और प्रभु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई तब भी प्रभु ने इस बात को कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा जमीन पर भी पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा को हमें पहले रखना है। हमारा उद्देश्य हमें अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आमेन। और साथ ही साथ हमें इस बात को देखना है कि आत्मा में प्रार्थना, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना की तो कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और आज भी परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर की इच्छा जानता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर आज भी जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वो हमारे अंदर प्रार्थना करता है। इसलिए हमेशा अपनी प्रार्थना में हम आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इस प्रकार हम बोलें कि पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आमेन। यदि ऐसा हम करेंगे ज़रूर हम प्रार्थना की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो YouTube पर कमेंट कर ज़रूर आप बताएं इस वीडियो के नीचे कि आज हमने क्या बात सीखी, किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को हम प्रार्थना में पूरा होते हुए देख सकते हैं, किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को हम प्रार्थना में पूरा होते हुए देख सकते हैं। ज़रूर कमेंट कर बताएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।